मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अंजीर खाओ, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। रोटियों के डब्बे में लौंग रख देने से रोटी नरम हो जाएगी। जल्दी सोना और जल्दी उठ जाने से बुढ़ापा देर से आता है और तवील ज़िंदगी और जवान नज़र आते हैं। तंग जीन्स का इस्तेमाल ना करो, चहलकदमी ज़रूर किया करो, अदरक वाली चाय ज़रूर पिएं। आयरन की कमी को बढ़ाने के लिए गोभी और पालक का इस्तेमाल किया करें। इंसानी जिस्म में मौजूद नमक का तेज़ाब इस कदर तेज़ होता है कि वो स्टील को भी गला सकता है। रोज़ाना इलायची वाला दूध पीने से आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा, पुरानी कब्ज़ भी दूर हो जाती है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई इंसान सदका करता है तो वो 70 शैतानों के जबड़े तोड़ता है। रोज़ाना कच्ची अदरक खाने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान दिखाई देता है। दायमी कब्ज़ वाले मरीज़ भी जब भी अमरूद को देखें तो देखते ही चूम लें। सब अदुयात छोड़कर सिर्फ अमरूद खाना शुरू कर दें, दायमी कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। 3 चीज़ें बाई को बाई का दुश्मन बना देती हैं, जन, ज़र, ज़ुबान और ज़मीन। अमरूद पर थोड़ी सी अजवाइन लगा कर खाओ, सर घूमना, आँखों के आगे अंधेरा आना वगैरह भी ठीक हो जाएंगे। एक कहावत है कि आप जब चाहो दूर हो सकते हो, मगर जब आप चाहो वापस नहीं आ सकते। लीमू के छिलके ज़ाया ना करें, जमा करें, वॉशिंग मशीन में डाल दें और मशीन को चला दें, सारी जमी हुई मैल निकल जाएगी। शादी की बंदिश को जड़ से ख़त्म करना है तो रोज़ाना 100 मरतबा या लतीफ़ अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, इंशाल्लाह बंदिश टूट जाएगी। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बालों को उखेड़ने से मना फरमाया है कि वो मोमन का नूर है। हम जितने खुश रहेंगे हमको उतनी ही नींद की कम ज़रूरत पेश आएगी। अगर आप अपना मकसद वक्त से पहले दूसरों को बता दें तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी और आपकी कामयाबी के चांस कम हो जाएंगे। सफ़र करने से दिल के दौरे और डिप्रेशन का ख़तरा कम होता है। ख्वाब में बालों में कंघी करना, खुशी मिलने, नफ़ा हासिल हो, हाथों में पिलाहट नज़र आए तो ये जिस्म में आयरन की कमी को वाज़िया करता है। ऐसे में केले ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर दांत टेढ़े हो गए हैं तो दांतों पर रोज़ाना मसवाक किया करें, दांत सीधे हो जाएंगे। सोने से कबल नीम गर्म पानी पी लेना गुर्दों को साफ कर देता है। माल्टा खाने से इंसान जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पीने से चेहरे की शादाबी तकरीबन 80 साल तक बरकरार रहेगी। जानबूझकर चूंटियों और ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों पर पांव रखने से रिज़क तंग हो जाता है। किबला शरीफ की तरफ मुंह करके थूकने से रिज़क की तंगी होती है। सर के नीचे हाथ रख कर सोने से नींद जल्दी आ जाती है। सब्ज़ रंग गौर से देखने से आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना करो, क्योंकि सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से शख्सियत में निखार आ जाता है। चॉकलेट खाने से
रंग सांवला हो जाता है। क्रिकेट खेलने से कद बढ़ जाता है। पॉपकॉर्न सेहतमंद तरीन चीज़ है। ये हड्डियों और दांतों के लिए बेहतरीन है। नाखून पर लीमू के छिलके रगड़ दो, नाखून मजबूत हो जाएंगे। दिन में 5 मरतबा आहिस्ता और गहरी सांस लेने की कोशिश ज़रूर करें, इससे दिमाग पर सुकून हो जाता है। जिस घर में सांप बच्चे पैदा कर दे, वहाँ मुसीबतें आती हैं। सुबह को जल्दी जल्दी चलने से दिल की बीमारियाँ करीब नहीं आती। बार बार पेशाब की हाजत होती है तो एक छटांक भुने हुए चने खा कर ऊपर से थोड़ा गुड़ खा जाएं। 2 हफ्ते लगातार करें, पेशाब का मसला हल हो जाएगा। बूढ़े लोग ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करें। जिस औरत की उम्र 35 साल हो, उसको चाहिए कि वो माल्टे का रस और चुकंदर ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। टांगों पर तेल लगाने से बदन की खुश्की दूर हो जाएगी। जिन लोगों को हमेशा बलगम की शिकायत रहती है, वो बैंगन की सब्ज़ी पकाकर खाएं। रोज़ाना 4 खजूरें खाकर कमज़ोरी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अगर अपना वज़न बढ़ाना है तो कम से कम 5 केले खाएं। ऊपर से नीम गरम दूध पी जाएं। याद रखें, मिल्क शेक नहीं बनाना। कमज़ोर हाजमे वाले अफराद केला खाने से गुरेज करें। दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ़ देती है। शादी में कैसी भी रुकावट हो, नमाज इशा के बाद अव्वलो आखिर 11 बार दुरूद शरीफ और 1 मरतबा सूरह मरियम की तिलावत करो। मकसद पूरा होने तक ये अमल ज़रूर करो। क़यामत की चंद होलनाक निशानियाँ। औरत लिबास पहन कर भी नंगी नज़र आएगी, ज़ना आसान होगा और निकाह मुश्किल हो जाएगा। बीवी अपने शोहर की नाफरमानी करने लगेगी। औरतें अपने बाल छोटे रखेंगी, लोग रोज़ा रख कर फिर तोड़ देंगे। मर्द हजरात औरतों वाला फैशन अपनाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पता उस वक्त परेशान होता है जब आप 10 बजे तक सोते नहीं और सूरज तलू होने से पहले जागते नहीं। कच्चा लहसुन या कच्चा प्याज खाने से मुंह में बदबू आने लगती है। अदरक का टुकड़ा चबा कर खाने से इंशाल्लाह बदबू ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा तेज़ गर्म चाय पीने से गले के कैंसर का ख़दशा तेज़ी से लाहक होता है। पानी में अरके गुलाब मिलाकर चेहरा धो लिया करो। चेहरा हमेशा जवानों जैसा दिखाई देगा। 80% दुनिया की आबादी ऐसी है जिन्होंने कभी जहाज़ पर सफ़र ही नहीं किया। मैदे को ज़िंदगी भर तंदुरुस्त रखना है तो खाने के बाद गुड़ खा लिया करो। जो फूलों की ज़्यादा सूंघता है, उसकी उम्र लंबी होती है। जिनके पाँव में ज़ख़म हो जाते हैं, वो रोज़ाना फूल गोभी को कच्चा इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह ज़ख़म ठीक हो जाएंगे। पुदीने का कहवा बलगम को ख़त्म करता है, मतली और कह को रोकता है। रोज़ाना 7 दाने किशमिश के रात को पानी में भिगो दें और नहार मुंह खा लें, ऊपर से दूध पी जाएं। ये ऐसा एनर्जी ड्रिंक है जो हफ्तों में घोड़ों जैसा ताकत देता है और कुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करता है। कमर का दर्द हो तो जूता एड़ी वाला मत पहने, बल्कि
छोटा जूता पहने, सोने के लिए बारीक तकिया इस्तेमाल करें, सुबह सवेरे उठकर अपने हाथों को पांव तक झुककर ले जाएं और इस हालत में 5 मिनट तक रहें। बांझ औरत को बकरी का गोश्त खिलाने से हमल बहुत जल्द ठहरेगा। खड़े होकर पेशाब करने से दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है। मिट्टी के बर्तन में खाओ, हमेशा जवान रहोगे।